सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम नीट के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस का टेस्ट देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे रहना और आपको नीट के लिए आईएमपी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने दो टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, जो कि मैंने खाली वीडियो बनाने के लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। उनके सही आंसर्स कैसे हैं, कौन से हैं, वो सब देखने के लिए मैंने नेक्स्ट कर दिया और सबमिट कर दिया, तो मुझे आंसर्स तो मिल गए हैं जो कि जीव विज्ञान के हैं। इसमें आपको नीट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आईएमपी, जैसा कि मैंने निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत है तो मैंने ये कर दिया था। तो इसका आंसर आया है, कीटों में शरीर के परिसंचारी तरल पदार्थ ऊतकों को ऑक्सीजन वितरित करने का काम करते हैं। यह गलत कथन था, जो कि प्रश्न का हल ये रहा, कीटों में हीमोलिम्फ नामक परिसंचारी तरल पदार्थ शरीर के लिए श्वसन गैसों के परिसंचरण में मदद नहीं करते हैं। यह केवल खाद्य और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरित करता है। ऑक्सीजन का वितरण श्वसन छोटे वायु कोष्ठों के माध्यम से होता है, जिन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है। मुख्य कॉन्सेप्ट था इसमें खुला संवहनी तंत्र, जंतुओं में केशी विनिमय की क्रियाविधि। अगला क्वेश्चन से है, रक्त द्वारा श्वसन गैसों के परिवहन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए और कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक होता है, ये इसका सही कथन है। यह प्रश्न का हल है, यह रहा जब ऑक्सीजन वायु से रक्त में प्रवेश करती है तो इसका 33% रक्त प्लाज्मा में घुल जाता है और शेष 97% हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं करती है। यह संयोजन एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतक तक पहुंचता है तो यह हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। मुक्त ऑक्सीजन रक्त से ऊतक तरल में जाती है, इसके स्थान पर ऊतक तरल से CO2 कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में आती है। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का बाई कार्बोनेट के रूप में ले जाया जाता है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के माध्यम से RBC में विसरित होती है। RBC में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यह एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। यह एक अम्ल H+ तथा HCO3 आयन में वियोजित होता है। H+ आयन हीमोग्लोबिन द्वारा बफर किए जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन RBC में जमा होते हैं, इसलिए वे आसपास के प्लाज्मा में विसरित हो जाते हैं। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये मुख्य कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको हल भी मिल गया है और क्वेश्चंस भी मिल गया है। जो इसमें से और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये हल पढ़ लेना है, तो आपको नीट के एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकेंगे। और ये IMP भी है, ये क्वेश्चंस मिले हैं मुझे जो नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि NTA द्वारा बनाया जाता है क्वेश्चंस। ये है गवर्नमेंट ऐप जिसके द्वारा टेस्ट लिया जाता है नीट का, जो कि टेस्ट का फीडबैक, जैसे कि ये आप देख सकते हो, इसका इंटरफेस देख सकते हो। आपको यह मिल जाएगा प्ले स्टोर पर आपको जाना है और यहाँ पर नेशनल टेस्ट है, टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बनाया गया है।
जो कि नीट के क्वेश्चंस बनाता है, तो आपको टेस्ट यहीं से देना होगा। आपको टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है सभी के सभी, उनमें से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, इसलिए आपको मैंने यह बताया कि आप भी यहाँ से टेस्ट दो और आप भी नीट में अच्छे नंबर से पास हो को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। यद्यपि रक्त में बहुत अधिक मात्रा में CO2 द्वारा परिसंचरण होता है, फिर भी रक्त अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है अम्लीय रक्त? रक्त बफर CO2 परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो कि उसका प्रश्न का पूरा हल आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, क्योंकि CO2 लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है और कार्बोनिक अम्ल बनाने के लिए जल के साथ अभिक्रिया करता है। कार्बोनिक अम्ल बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयनों के निर्माण के लिए वियोजित होता है। कुछ बाइकार्बोनेट आयन रक्तानु में परिवाहित होते हैं, जबकि कुछ रक्त प्लाज्मा में विसरित हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयनों का निष्कासन प्लाज्मा और रक्तानु के बीच आयनिक संतुलन परिवर्तित कर देता है। संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए क्लोराइड आयन प्लाज्मा से रक्तानु में विसरित हो जाते हैं, इस कारण से रक्त का pH बना रहता है। और इसका मुख्य कॉन्सेप्ट ये रहा का परिवहन। आप यह सब पढ़ लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर रहने वाले लोगों के रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में लगभग 5 मिलियन RBC होती है, जबकि 5400 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में 8 मिलियन होती है। इसका कारण क्या है? तो ये इसका कारण है, वायुमंडलीय O2 का स्तर कम होता है और इसलिए जीवित रहने के लिए O2 की आवश्यकता मात्रा को अवशोषित करने के लिए अधिक RBCs की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करता है? तो प्लीहा। निःश्वसन आरक्षित आयतन कितना होता है? तो 1000 ml। और इसका हल भी देख सकते हो नीचे जाके, कोई हल भी देख सकते हो। CO2 की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से CO2 की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उच्च श्वसन वायु की तुलना में कूपिका वायु में अधिक होती है। अस्थमा के दौरे के समय क्या होता है? तो हाइपोक्सिया। वायु और रक्त के शिका के बीच O2 CO2 विनिमय में फेफड़ों की कौन सी संरचना प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है? कूपिका। फेफड़ों की कूपिकाएं किसके द्वारा अस्तरित होती है? तो शल्की उपकला। श्वसन दर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के पेशीकारी, तनाव, इनमें से कोई नहीं। मानव फेफड़ों की जैव क्षमता किसके बराबर होती है? तो 4600 ml। जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वास हो जाती है तेज और गहरी। निम्नलिखित में से कौन फुफ्फुसीय श्वसन दर्शाता है? तो मानव। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21%। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालिक श्वसन विकार है जिसमें वायुकोशीय भित्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण श्वसन की सतह कम हो जाती है? इस रोग के प्रमुख कारणों में से एक धूम्रपान है, वातस्फीति। कौन सा व्यावसायिक रोग फेफड़े के तंतुमयता द्वारा अभिलक्षित होता है? तो इसका आंसर आएगा उच्च भाग। एक व्यक्ति आमतौर पर विराम अवस्था में सांस लेता है और प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान लगभग 0.5 लीटर वायु लेता है और बाहर निकाल देता है, इसे क्या कहते हैं? तो ज्वारीय आयतन। इसका आंसर आएगा ज्वारीय आयतन। जब आप अपनी श्वास को रोकते हैं तो रक्त में निम्नलिखित में से कौन सी गैस परिवर्तन से श्वास लेने की इच्छा उत्पन्न होगी? CO2 द्वारा CO2 सांद्रता की वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किसके दौरान मुक्त होती है?
एक से अधिक विकल्प सही है, मतलब उपचयी अभिक्रियाओं, उपचयी अभिक्रियाओं, उभयचरी अभिक्रियाओं, एक से अधिक विकल्प सही है। एकल विकल्प ही है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसका ए का आएगा, ज्वारी आयतन का आएगा 500 ml, अतः श्वसन संरक्षित आयन का आएगा 2500 ml से 3000 ml, और निःश्वास संरक्षित आयतन का आएगा 1000 ml से 1100 ml, अवशिष्ट आयतन का आएगा 1100 ml से 1200 ml। इसका आप हल भी देख सकते हो और कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो। बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद अधिकतम बलपूर्वक के निःश्वसन के बा के साथ बाहर निकलने वाली वायु का परिमाण किसके बराबर होता है? IRV प्लस TV प्लस ERV। दमा के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी प्रतिक्रिया। बिच्छू द्वारा उपयोग किए जाने वाले कशेरुकियों में शामिल मछली द्वारा उपयोग किए जाने वाले, जबकि सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्वसन अंग कौन से होते हैं? सही विकल्पों के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बुकलंग, देखो फर्स्ट का आएगा कशेरुकियों में शामिल मछली द्वारा उपयोग किए जाने वाले, तो बुकलंग। सेकेंड का आएगा जबकि सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, इसका आएगा क्लोम। और थर्ड का आएगा श्वसन अंग कौन से होते हैं? तो फेफड़े। ये तो आपको पता ही होगा श्वसन अंग कौन से होते हैं, तो फेफड़े। श्वास नली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? श्वास नली में उपास्थियुक्त वलय अधर पक्ष पर अपूर्ण होता है। फेफड़ों की कुल क्षमता TLC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो EC प्लस FRC। स्तनधारियों के फेफड़ों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म कूपिका वायुकोश होता है, यह किसकी अनुमति देता है? गैसों के विसरण के लिए अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आंसर आएगा। एकल विकल्प, दी गई आकृति में मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य दर्शाया गया है, ABC और D की पहचान करें। तो ABC, ए घाटी ढक्कन, बी का कूपिका, सी श्वसनी और डी डायाफ्राम। फेफड़ों की कूपिका में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? सरल विसरण द्वारा। दिए गए चित्र में कूपिका तथा शरीर के ऊतकों में रक्त तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के साथ गैसों के आदान प्रदान का संक्षिप्त निरूपण दर्शाया गया है। ए से डी तक रक्त वाहिकाओं की पहचान कीजिए। ए आएगा देही का शीरा, ये जो ए है देही का शीरा आएगा। बी फुफ्फुसीय धमनी, सी आएगा बी आएगा फुफ्फुसीय धमनी, सी आएगा फुफ्फुसीय। बस इतने ही हैं क्वेश्चंस आज के लिए। अगर आपको ऐसे इंग्लिश में भी चाहिए, इंग्लिश या अगले क्वेश्चन से चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं अगले क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूंगा और आपको नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। IMP इनमें से आ भी सकते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऐप है, इसमें टेस्ट का नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और वही नेट में भी नीट में भी आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।